Hello, welcome everyone. Let's start today's class in 7th with civics. In essence, with civics, chapter number 1 on equality. Ma'am, chapter number 1 na? Chapter number 1, equality in Indian democracy. On equality. कौन सा सब्जी लेता है? What is the meaning of equality? सब सेम हो. हाँ, सब समान हो, सब एक समान बने, है ना? तो लिखो. मैम साइड हो गया मैम. सो इन दिस चैप्टर इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी ऑन इक्वालिटी वी आर गोइंग टू लर्न द क्रिटिकल रोल ऑफ इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी. ओके, the critical role of equality in democracy of India with specific reference to India. India ke specific reference dekhenge jo equality se belongs karte hain. The constitution of India guarantees equality to all citizens. Okay, our constitution matlab hamara bandharan hai na. So our constitution guarantees to us that all citizens are equal. उसमें गारंटी लिखी हुई है, उसमें लिखा गया है कि भारत के सभी नागरिक कैसे एक समान, कोई भेदभाव नहीं है, सारे लोग इक्वल है. डिस्पाइट दिस द डेली लाइव्स ऑफ पीपल इन इंडिया आर फार फ्रॉम इक्वल. फिर भी इसके बावजूद भी इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही अलग है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से इक्वल नहीं है. अर्लियर डिस्कस ऑन इक्वालिटी most often some object provisions of the constitution without any considering reality. मैम मेरा नेटवर्क बीच में चला गया था, आप कहाँ से पढ़ रहे हो? मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इक्वालिटी के बारे में. हम पहले देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं. इक्वालिटी जो है वो इंडिया में सबके लिए समान है. ओके, सबको एक समान अधिकार. बट इंडिया में इतने सारे लोग, अलग अलग लोग रहते हैं, जिससे उनकी इक्वालिटी एक दूसरे से अलग दिखती है, अलग पड़ती है. फार फ्रॉम इक्वल है ना. पीपल इन इंडिया आर फार फ्रॉम इक्वल. सो लेट्स सी दिस लेसन. व्हाट इज द हाइलाइटिंग ऑफ दिस लेसन दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर? ओके, मंजीत, गिरीश राव स्टूडेंट, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर, सुजाता कुमारी आल्सो डोमेस्टिक वर्कर, अब्दुल रहमान आर्टिस्ट, सबनम बानो हाउसवाइफ, ग्रेसी इज कंसल्टेंट, देन आइजैक गवर्नमेंट ऑफिसर, देन एक मिनट, मैरी, हाँ दिव्या,
ग्रेसी जो है वो क्या है, कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है, एडवाइजर। कंसल्ट करना, कंसल्ट करना मतलब एडवाइस देना, एडवाइजर। देन गवर्नमेंट ऑफिसर आइजेक, रुखसाना मिर्जा इज मीडिया पर्सन, योगराज इज अनएम्प्लॉयड, उसके पास कोई जॉब है नहीं, और अशोक जैन क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब जो इंडस्ट्री में वर्क होता है उसके लिए नोट लिखते हैं, जो भी करते हैं वर्क करते हैं। ओके, नाउ लेट्स रीड। पहले एक पिक्चर देख लेते हैं, पिक्चर में क्या है वो देख लेते हैं। ओके, ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स, मतलब वोट्स देने के लिए वेट कर रहे हैं। कौन कौन वेट कर रहे हैं, कांता और उसकी फ्रेंड का नाम क्या है, सुजाता। तो इन दिस पिक्चर वी कैन लुक, वी कैन सी दैट इट इज द डे ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का डे है ना। चलो देखते हैं, इलेक्शन डे इज दैट, इजंट गुड सुजा, दैट्स वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑन कंट्री, इवन जैन साहेब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विथ अस। देखो, isn't it good Sujata, हमारे देश में अच्छा नहीं है कि we can all vote as equal citizen, हम सारे एक समान है वोट करने के लिए। देखो हमारे जो जैन साहेब है, जैन साहेब कौन है, ऊपर देख के बोलो, दिया है जैन साहेब, नहीं दिया है ना। ओके, अशोक जैन है ना, लास्ट में है, देखो अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो भी हमारे साथ लाइन में खड़े, और कांता और वो तो क्या है, हाउसवाइफ है, सॉरी डोमेस्टिक वर्कर है, हाउसवाइफ नहीं है, डोमेस्टिक वर्कर मतलब क्या होता है मैम, जो एनिमल को रखते हैं। नहीं, डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, डोमेस्टिक वर्कर लिखा है मैम, जो मजदूर होते हैं वो, काम वाले, दोनों काम वाली बाई है। देखो डोमेस्टिक वर्कर मतलब वो घर घर जाके काम करते, डोमेस्टिक आपने बोला ना कि डोमेस्टिक एनिमल पर से बोला, क्यों उसका नाम ऐसे एनिमल जैसे कि काउ को डोमेस्टिक क्यों बोलते हो, क्योंकि उसका रीजन है, डोमेस्टिक का मतलब जो घर घर पे रहते हैं, घर मतलब घर में यूज होता है। गाय कहाँ पे रखते हैं हम, कहाँ पे पालते हैं, घर पे पालते हैं, जंगल में जाके नहीं पालते है ना, तो घर पे पाला जाता है इसीलिए उसे डोमेस्टिक बोलते हैं। तो जो वर्क घर से होता है, घर से रिलेटेड होता है ना, होम से रिलेटेड, तो डोमेस्टिक बोलते हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर मतलब काम वाले। ओके, मजदूर, यस बोल रही है सुजाता, हाँ अच्छा है। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न टू नाउ, चलो कांता जाओ अब आपकी बारी वोट करने की। I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area. So, she is telling here that मैं तो उसको वोट दूंगी जो हमारे एरिया में पानी की पाइप डालेगा। Afterwards, we will see you later, Kanta. Yes, namaste sahib. तो जो सर है उसके साथ भी बात कर रहे कि चलो आपको बात करेंगे। Gudiya has been running fever. I have to take her to the hospital, but I will have to finish the work at sahib house first. And ask for some advance. मतलब साहेब कौन थे, उसके घर के मालिक थे जहाँ पे वो लोग काम करने जाते हैं, तो वो उनके पीछे लाइन में खड़े थे, इसलिए उनको क्या हो रहा है फील कि देखो ना इंडिया में कैसा है, इक्वालिटी कैसी अच्छी है, वोट करना है तो सबको एक ही लाइन में खड़ा रहना है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसकी अलग लाइन है ना, एडवोकेट है तो उसकी अलग लाइन, जज है तो अलग, ऐसा नहीं है, सबकी सेम लाइन है। तो गुड़िया जो कांता की जो लड़की होगी, जो वर्कर है, उसकी लड़की बीमार है, तो वो मेडिसिन खरीदने और एडवांस पैसे लेने के लिए बोल रही है, एट होम घर पे जाके। हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर, देखो, एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग यू विल गो टू द हॉस्पिटल टुडे। ओके, तो वो उसकी मम्मी बोल रही है कि ये दवाई घर पी लो, इससे आपको अच्छा होगा, शाम को आके मैं आपको हॉस्पिटल में ले जाऊंगी। नेक्स्ट पिक्चर, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज नेवर क्लीन, मतलब उसकी मम्मी बोल रही है कि इसमें कुछ वंडर की बात ही नहीं है, क्योंकि हमारी बस्ती इतनी गंदी रहती है कि हर कोई बीमार पड़ जाए, है ना। बस्ती देखो यहाँ पे गंदगी सब दिखाई दे रही है पिक्चर में। ओके, चलो यहाँ तक पिक्चर है, नाउ यू हैव टू रीड, हु विल रीड, जिया पढ़ो, प्राची एंड दिव्या टर्न ऑन द वीडियो। जिया अनम्यूट द स्पीकर, मैं पढ़ू? हाँ बोलो, हाँ पढ़ो। इंडिया इन डेमोक्रेसी इन द क्लास सिक्स्थ बुक वी लोकेटेड
looked at the key element of a democracy government. This okay, in sixth class, you have looked about the element of democratic government. And India is what kind of government? Democratic government. है ना? Democracy चलती है. Democracy का मतलब क्या होता है? Google tell. आजादी. मैम. मैम आप चिपक, आपकी स्क्रीन चिपक गई है और मैम आपका आवाज भी कट कट होते आ रहा है. बाकी सबको कैसा आ रहा है? मैम सही आ रहा है. हाँ, because you have network अच्छा. problem प्राची. ओके चलो बोलो डेमोक्रेसी मीन्स. ऐसा जिसको हम जिसको हम वोट से चॉइस कर. हाँ, इन दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट मतलब क्या है? इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट People choose their representative. लोग representative को vote करके choose करते हैं. हम हमारे नेता को हम choose करते हैं ना. आप हम vote देते हैं और हमारे representative मतलब हमको किस कौन से नेता को लाना है उसे हम आगे लाते हैं तो वो हमारा representative बनता है. Representative क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि हमारे जो प्रश्न होते हैं ना, हमारी जो समस्याएं होती है वो आगे लेके जाता है. तो वो हमारा क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव हुआ ना, हमें प्रेजेंट करता है आगे जाके, वो लोगों को प्रेजेंट करता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव. तो इन डेमोक्रेसी टाइप गवर्नमेंट पीपल चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव. लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं. तो इसका मतलब है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र. ऐसा लोकतंत्र जहाँ पे लोगों के द्वारा सरकार को निश्चित किया जाता है. तो आप पता चला? यस मैम. यस मैम. ओके चलो अब क्या है? हाँ पढ़ो. दिस इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेटिंग द रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस. इक्वालिटी इज अ की फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स aspects of its functioning है ना. ओके तो लो इंडिया में किसका पार्टिसिपेशन रहता है? लोगों का. अगर लोग पार्टिसिपेट होंगे वोट करने के लिए तो नेता आएंगे ना, है ना. तो पार्टिसिपेशन किसका रहता है? लोगों का रहता है. इसीलिए सारे लोग कैसे हैं इंडिया में? सब इक्वल है ना. तो इक्वालिटी जो है वो की फीचर है. अंडरलाइन करो, इक्वालिटी इज की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मेन फीचर क्या है? तो इक्वालिटी. अगर आपको लोकतंत्र चलाना है तो उसके पहले क्या होना चाहिए? सारे लोग समान, एक समान, तो ही आप डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को रन कर पाओगे. अदरवाइज क्या होगा? हाँ मेरी बुक में कट हो गया है, आपको पढ़ना पड़ेगा. कुछ नहीं मैम, दिस पेज इज कट इन माय टेक्स्ट बुक. दैट्स ओके. तो अंडरलाइन दिस वन. इक्वालिटी इज की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. ओके चलो, इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट यहाँ से है ना, इक्वालिटी व्हाट इज इट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी एंड वेदर और नॉट Everyone is equal in India. Let's begin by looking at Kanta's story. Okay, तो हमने story देखी. हमने पहले ही picture देखा. Kanta की जो लड़की है वो बीमार है, वो domestic worker है. Okay, ये सब हमने देखा. Now turn the page number 6. देखो वो काम कर रही है ना, तो उसको कैसे काम करवा रहा है? Make sure to do the corners properly. Corners में अच्छे से पूछा लगाना, है ना? अब उसको एडवांस मांगना था तो एडवांस दे रहे. देखो, here is your advance, Kanta, but don't make a habit of it. Okay, madam. तो जो उसके सर है, मतलब जहाँ पे वो काम करने जाती है, तो उसकी जो मालकिन है वो क्या बोल रही है? ये लो एडवांस पैसे, बट अब सारे महीने एडवांस मत मांगते रहना. मतलब इसकी हैबिट मत कर देना एडवांस मांगते, है ना.
चलो अब देखो नीचे क्या है, इवनिंग को क्या होता है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटा, जैन मैडम एंड जैन साहेब मे स्टैंड इन लाइन टू वर्क बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। जैन मैडम और सर भी कहाँ पे लाइन में खड़े है, है ना, तो लेकिन वो लोग तो कभी ऐसा करते नहीं है क्योंकि जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो वो कभी लाइन में खड़े रहते नहीं है। और ये जो है देखो काम वाली भाई, वो कहाँ, उसकी लड़की रो रही है तो वो कहाँ पे खड़ी है, लाइन में खड़ी है। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, अनइक्वालिटी, है ना, दिख रही है ना अनइक्वालिटी। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कई ऐसे पार्ट्स है जहाँ पे गरीब लोग और अमीर लोग, इसमें हम इक्वालिटी नहीं दिखती है, एंड दैट इज ट्रू, है ना। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि सारे इंडिया के नागरिक मतलब सिटीजन एक समान, दे आर इक्वल, बट सम पार्ट्स सम वे वी हैव सीन दैट देयर आर समथिंग लुकिंग समथिंग हैपनिंग रॉन्ग, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां हमें दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, वहां पे हमें इक्वालिटी नहीं नजर आती है। इक्वल राइट टू वॉट, तो सबसे पहला हमारा अधिकार क्या है, वॉट करना, है ना, वॉट करने का अधिकार सबका कैसा है, एक समान, किसी को अलग अलग अधिकार नहीं मिला, एक समान हक है। द स्टोरी अबाउट बिगिंस इज कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वॉट, वॉट देने के लिए खड़ी है, ऐसे स्टार्ट हुई है स्टोरी। लुक अगेन इन द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर, कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटेलाल हर नेबर। In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have, the caste they are, whether they are rich or poor, are allowed to vote. India में ऐसा right है कि वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कोई भी जात का हो, है ना, कोई भी religion का हो, मतलब कोई भी धर्म का हो, सबका वोट देने का एक समान अधिकार है। दिस एज यू ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6 बुक इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, फर्स्ट चैप्टर था सिविक्स में, उसमें हमने देखा था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी किसे कहते हैं, 18 साल के बाद, है ना, सबको वोट देने का एक समान अधिकार है, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये आपने 6th में सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। यस, व्हाट इज गवर्नमेंट में देखा, है ना, एंड इट इज एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ इक्वालिटी। तो एडल्ट यूनिवर्सल का आइडिया किसका है, तो वो इक्वालिटी रहे उसके लिए, उसके ऊपर बेस है, बिकॉज इट स्टेट दैट एवरी एडल्ट इन कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड कम्युनिटीज शी और ही बिलोंग्स टू हैज वन वॉट। कांता इज एक्साइटेड टू वॉट एंड हैप्पी दैट सी इज इक्वल टू ऑल ऑफ अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज वन वॉट। तो कांता भी बहुत खुश है वोट करने के लिए क्योंकि उसको यहाँ पे इक्वालिटी नजर आ रही है कि मैं डोमेस्टिक वर्क करूँ तो मेरे साथ मेरे मालिक भी खड़े हैं, दैट मींस वी आर इक्वल एट दिस स्टेज, है ना, दैट्स राइट। बट एज हर डेज गोज ऑन, जैसे जैसे दिन जाते हैं, कांता बिकेम्स लेस सर्टेन अबाउट वॉट इज इक्वालिटी रियली, बट कांता को रियालिटी भी पता चलती है कि इक्वालिटी का रियल मीनिंग क्या है। What is it that makes Kanta unsure? ऐसी कौन सी बात हो गई कि Kanta को लगा कि वो sure नहीं है equality के बाबत में, के बारे में? Let's take a look at the day in her life. ऐसा एक दिन देखते हैं उसकी जिंदगी का। She lives in slum, has a drain behind her house. Underline करो। उसका घर कौन से एरिया में है? Slum area में। Slum area मतलब झुपड़पट्टी, है ना? और उसके घर के पीछे क्या है? एक ड्रेन है। ड्रेन का मतलब क्या होता है? नाला, है ना, खुला नाला होता है ना, उसे ड्रेन कहते हैं। हर डॉटर इज सिक बट सी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम द वर्क बिकॉज सी नीड्स टू ग्रो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयज टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, है ना।
तो वो एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले पाती क्योंकि उसने पैसे लिए हैं और वो अपनी जो बच्ची है उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट एंड फाइनली सी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। दिस लाइन इज फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द टू पीपल स्टैंडिंग इन एट इन इट आर पुअर, है ना। तो सारे गरीब लोग लाइन में खड़े रहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आगे जिसको भी इलाज करवाना है। डू यू थिंक कांता हैज इनफ रीजन टू डाउट वेदर सी रियली इज इक्वल, है ना। यू हैव टू मेक अ लिस्ट थ्री रीजन फ्रॉम द स्टोरी अबाउट दैट मेक माइट मेक हर फील लाइक दिस। उसे क्यों ऐसा लगता है कि वो सब लोगों से इक्वल है या नहीं है, ऐसा तीन रीजन आपको ढूंढ के लिखना है। नाउ अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, तो एक हमने देखा कि व्हाट की इक्वालिटी होती है सबकी, ओके। और दूसरी बार हम देख रहे हैं नीचे कि हॉस्पिटल में जो लाइन लगी वो सारे गरीब लोगों की लगी है, ओके। नाउ सेकेंड थिंग ऑन पेज नंबर 7, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। कांता इज वन ऑफ मेनी पीपल हु लिव्स इन डोमेस्टिक इंडिया डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु लिव who have the right to vote but whose daily living and working condition are far from equal. So jinke paas vote karne ka to saman adhikar hai but unki life jo hai wo equal nahi hai. Sabka jo working space hota hai na, jo kaam karte hai usse unka equality hota hai, wo alag ho jata hai. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. इंडिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें हमें अनइक्वालिटी नजर आए। एक तो गरीब अमीर का फासला है, वो तो है। दूसरा है स्टेटस का, मतलब किसके पास कैसी जॉब है उससे भी उसकी इक्वालिटी और अनइक्वालिटी हम देख पाते हैं आज भी, है ना। सो लेट अस सी व्हाट इज द मींस बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। ईच ऑफ दिस बेस्ड ऑन रियल एक्सीडेंट इन पीपल लिव्स एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट्स इन इंडिया। नीचे दो स्टोरीज दी गई है जिसमें आप देख पाओगे कि इंडिया में कैसी अनइक्वालिटी चल रही है, ओके। चलो इसको देखे बगैर ही हम बोल सकते हैं कि कौन कौन सी अनइक्वालिटी इंडिया में है। बोलो, स्टोरी तो बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, वी विल सी इट टुमारो। बट व्हाट काइंड ऑफ इक्वालिटी इन इंडिया वी कैन रियलाइज टुडे। हम आज भी जिसे महसूस करते हैं ऐसी अनइक्वालिटी कौन सी है इंडिया में? जॉब्स, जॉब और रिच पुअर। देन और मैम जिसके पास पैसे नहीं होते उनको हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज नहीं होता। हाँ, तो रिच एंड पुअर का भेदभाव है। और क्या है सारो? नेक्स्ट इज व्हिच वन इज अनइक्वालिटी इन इंडिया? सबसे बड़ी अनइक्वालिटी जो पहले बहुत थी अभी कम हो गई है, मतलब तो वो नीचे के मतलब लेवल में आता है, तो ये वाली इक्वालिटी अनटचेबल। सो वी विल सी दिस चैप्टर टुमारो। यू हैव टू राइट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस chapter from page number 1 to 7, okay. So from first two pages you have to tick mark the important point and write down in your civics mark, okay. मैम आपने तो एक ही पॉइंट टिक किया है। हाँ, तो बस वही है। एक तो है डेमोक्रेटिक किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, ओके। और फ्रेंचाइजी क्या है, एडल्ट फ्रेंचाइजी किसे कहते हैं, किसके ऊपर बेस है। एलिमेंट मेन क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, है ना। मेन फीचर क्या है, तो इक्वालिटी वो मेन फीचर है बस। और किसकी बातें थी स्टोरी में, कौन कौन था? कांता और सुजाता, ओके। और उसके मालिक का नाम क्या था? जेन। तो ये छोटे छोटे पॉइंट करना, तो एमसीक्यू में अगर आए तो यू कैन गिव आंसर, ओके। चलो बाय बाय। ओके मैम, आज इंग्लिश ग्रामर पढ़ाओगे ना? हाँ हाँ, यस, क्लास इज कंटिन्यू।